राजस्थान में पोर्न वीडियो फोटो व अश्लील कंटेंट देखने और अपलोड करने पर सख्ती शुरू हो गई है। ऐसा ही एक मामला बाड़मेर में सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि चाइल्ड पोर्न वीडियो देखने पर अब पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी रखते हुए सख्ती बरत रही है। राजस्थान में पोर्न वीडियो फोटो व अश्लील कंटेंट देखने और अपलोड करने पर सख्ती शुरू हो गई है। ऐसा ही एक मामला बाड़मेर में सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि चाइल्ड पोर्न वीडियो देखने पर अब पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी रखते हुए सख्ती बरत रही है। कोतवाल गंगाराम खावा के मुताबिक चाइल्ड पोर्न वीडियो देखने व वायरल करने के मामले में ATS के माध्यम से रिपोर्ट मिली थी। दरअसल पोर्न साइट्स पर बच्चों के अश्लील वीडियो को रोकने के लिए पुलिस लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। पोर्न साइट पर एक अश्लील वीडियो अपलोड होने पर NCRB लगातार नजर रखे हुए हैं। NCRB की रिपोर्ट पर कोतवाली में मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी भवरलाल निवासी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ अश्लील वीडियो फोटो देखने के साथ IT एक्ट के तहत धारा 67A व 67B के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें 5 साल तक सजा व 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। SI लादुराम के मुताबिक NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दिल्ली से एक रिपोर्ट और CD राजस्थान ATS को भेजी। ATS ने बाड़मेर SP को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये NCRB न्यू दिल्ली से एक रिपोर्ट ATS को भेजी। ATS अधिकारियों ने बाड़मेर जिला SP साहब को रिपोर्ट भेजी कि भवनलाल स्वरूप हृदय राम अपने मोबाइल से बच्चों के नग्न अश्लील फोटो गूगल पे सर्च करके उसको अपलोड करना और आगे भेजना के संबंध में अपराध होने की वजह से रिपोर्ट प्राप्त थाना को हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान भवनलाल स्वरूप हृदयराम ब्राह्मण निवासी इंदिरा नगर बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बच्चों के नग्न और अश्लील फोटो गूगल पे जाके सर्च करना और उसको अपने मोबाइल में अपलोड करना और आगे भेजना, ये कानूनी अपराध है। आमजन से अपील ये रहेगी कि कोई भी बालक और बालिकाओं के नग्न या अश्लील फोटो गूगल पे जाकर के सर्च नहीं करें तथा अपने मोबाइल में अपलोड नहीं करें और उसको नहीं देखें। आरोपी अपने मोबाइल से बच्चों के पोर्न फोटो वीडियो गूगल पर सर्च करके डाउनलोड करके आगे किसी और को भेजता था। इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान पुख्ता सबूत होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।